Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज की वीडियो बहुत ख़ास है, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्केचिंग और इलस्ट्रेशंस कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई विल बी शोइंग यू ऑल द स्केचेज एंड द इलस्ट्रेशंस विच आई हैव बीन मेकिंग सिंस 2012। I will be showing you all and you all can see the progress which I have been making in this field. ये 2012 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 2012 का मेरे पास सेव है। और मैं चीज़ें अपनी बहुत सेव करके रखती हूँ। और ये टाई एंड डाई के ऊपर एम्बोज कलर्स किए गए हैं, जो कि थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। ये भी टाई एंड डाई के साथ, और इसके ऊपर मैंने जो बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है ये स्पंज के साथ, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने गार्लिक के स्टैम्प्स लगाई थी और उसके साथ मैंने इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की थी। वाली जो आपको नज़र आ रही है ये भी बैकग्राउंड इसका बना के, और उसके साथ भी मैंने इसके साथ बैकग्राउंड बनाया था, और देन उसके ऊपर मैंने लीव्स के को पेंट लगा के और उसके ऊपर मैंने उसकी स्टैम्प्स लगाई थी। जो आपको नजर आ रहा है ये मैंने सर्कल्स पता नहीं किससे बनाए थे, और इसका भी सबसे पहले बैकग्राउंड तैयार किया था, और उसके बाद ये जो लेस आपको नजर आ रही है ये उसका डिजाइन है। लेस नहीं है, लेस का डिजाइन है। और ये वाला जो है ये मैंने ब्रश टूथ ब्रश के साथ इसको स्प्रिंकल किया था पेंट को, देन उसके ऊपर मैंने लीव्स के डिजाइन बनाया। ये वाला भी टाई एंड डाई है जो कि थ्रेड के साथ है। जितनी भी आपको टाई एंड डाई नजर आएंगे वो थ्रेड के साथ हुए हुए हैं। थ्रेड के साथ टाई एंड डाई करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपकी जो है ना वो टाई एंड डाई में लगती है। और ये वाला टाई एंड डाई भी है जो कि थ्रेड के साथ हुआ हुआ है, डबल थ्रेड लगा के और उसके साथ टाई एंड डाई किया गया था। उसके ऊपर फिर मैंने एम्बेलिशमेंट करने की कोशिश की थी स्टोन्स के साथ और जो सितारे होते हैं उसके साथ। जो आपको नजर आ रहा है ये भी टाई एंड डाई टेक्निक है, जो कि मैंने थोड़ा सा वी शेप में बनाया था। टाई एंड डाई टेक्निक है, और उसके ऊपर फिर मैंने पेंट करके और उसको थोड़ा सा डिजाइन को इनहेंस किया था। जो टाई एंड डाई टेक्निक है ये मल्टी कलर्स के साथ है, मल्टी डिज़ाइन है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है टाई एंड डाई में कि आपके कलर्स एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें, और जो आप लोगों ने थ्रेड बांधना होता है वो बहुत टाइट उसको बांधना होता है। ये वाला जो है ये चुनरी डिज़ाइन है, मिक्स है बड़ा और छोटा, इसको भी मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये वाला जो व्हील कलर आपको नजर आ रहा है इसमें आपको पता चल रहा होगा कि मेरे अंदर उस टाइम कोई परफेक्शन नहीं थी। अब हम स्टार्ट करते हैं 2019 से। 2019 में मैंने अगेन स्टार्ट किया था, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आई से ऑलवेज गाइस, प्रैक्टिस इज द की टू परफेक्शन, सो आई एम स्टिल लर्निंग एंड स्टिल डूइंग इट। सो 6 मंथ्स का कोर्स था जो कि मैंने उसमें अप्लाई किया था, देन मैंने सोचा कि मैं इसको 1 ईयर पे ले जाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो माय टॉपिक कोरल रीफ, ये हमारा एनुअल टॉपिक होता है जिसके ऊपर हमें ड्रेसेस क्रिएट करने होते हैं, और ये जितनी भी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये सारी हमें उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करनी पड़ती हैं, फिर हमें सिलेक्शन करवानी होती है, और जब वो सिलेक्ट हो जाता है फिर देन हमारा प्रिंट आउट होता है, प्रिंट आउट के बाद देन उसमें से सिलेक्शन होती है, और ये होती है फाइनल सिलेक्शन। ये मेरी फाइनल सिलेक्शन थी उस टाइम, और इसमें से फिर हम लोगों ने कलर टोन्स जो थी वो निकाली थी। यहाँ पे ये शेप्स हैं, थोड़ा सा आपको लाइट नजर आ रहा होगा बिकॉज ऑफ पेंसिल। सो ये सारी शेप्स हैं,
ये आपको सारी लाइंस नज़र आ रही होंगी, क्योंकि लाइंस और शेप्स आपको पहले सिखाई जाती हैं, देन आपको आगे लेके जाया जाता है। और ये वाली जो आपको नज़र आ रहा है, ये हम लोगों ने सीखा था प्रोस्पेक्टिव होता है, देन आपको किस एंगल से कौन सा जो व्यू है वो नज़र आना चाहिए, और ये सारी चीज़ें पहले सिखाई जाती हैं, ड्राइंग स्केचिंग करवाई जाती है। ये टिश्यू बॉक्स का डिब्बा था जो कि हमारे सामने रखा गया कि इसको आपने स्केच करना है, तो ये हम लोगों ने स्केच किया, देन ये डिब्बे को खड़ा किया, उस एंगल से हमने स्केच किया, और ये हमने बैग स्केच किया। और फर्स्ट टाइम मैंने ये स्केच किया था और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। उसके बाद हमारी स्केचिंग स्टार्ट होती है 9 heads to 13 head जो कि हमें करवाई गई है। सबसे पहले आपको बॉडी पोस्चर्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं, नाइन हेड टू 13 head तक हमें स्केचिंग करवाई गई थी, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये 11 heads के साथ है। ये 12 head के साथ स्केचिंग है, यू आर नॉट परफेक्ट एट द बिगनिंग, यू जस्ट कीप ऑन लर्निंग। शुरू में हम कोई भी चीज़ जो है वो सीख रहे होते हैं, तो हम लोग उसमें परफेक्ट नहीं होते, मास्टर नहीं होते, तो वो सीखने से चीज़ जो है वो हमें आती है। ये बोतल जो है, वाटर बोतल, उसको मैंने स्केच किया था। कलर व्हील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फैशन डिज़ाइनिंग। सबसे पहले तो आपको कलर स्कीम का पता होना चाहिए कि आपको कलर मिक्सिंग कैसे करनी है, कौन से कलर में क्या ऐड करेंगे तो आपका क्या कलर बनेगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जी टेंट, स्टोन्स एंड शेड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि लाइटर, डार्कर और डार्कर एंड डार्कर, लाइटर और लाइटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए समझनी। इस पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। ओके जी, ये हैं जनाब स्केचेस जो मैंने किए थे, और ये वाटर कलर मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे। फर्स्ट टाइम मैंने वाटर कलर के साथ स्केचिंग की, सॉरी शेडिंग की थी, जो कि बहुत अच्छी हुई थी, सबको बहुत पसंद आई। मैंने कुछ इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस थोड़े से ही बनाए थे, लेकिन ये है कि जितना मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा, स्पेंड किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, हमारी टीचर बहुत अच्छी थी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर टीचर। तो ये वाला जो आपको शॉर्ट स्कर्ट के साथ नज़र आ रहा है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो लास्ट वन है ये मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत पसंद है, इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की थी। शेडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आपका टाइम लगता है कि आपने लाइटर क्या करना है, डार्कर क्या करना है, कौन से एरिया को लाइट और डार्क करना है, किसको इन्हेंस करना है, ये सब कुछ आपने कलर के साथ खेलना होता है। तो कलर के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये फाइनल स्केच हम लोग बना रहे थे, फाइनल स्केच मैंने बनाया था, प्रूफ करवाने होते हैं, ये वाले भी थे, और इसमें से हमने प्रूफ करवा के फिर हमने उसके ऊपर ड्रेस बनाना था। ये मेरा पैशन आप कह लीजिए या फिर मेरी हॉबी कह लीजिए कि ये है, इंशाल्लाह मैं इसको करूंगी। ये जो आपको डिजाइन नजर आ रहा है, ये मैंने बैग, जो हैंड बैग होता है, उसका डिजाइन बनाया था विंटेज थीम के ऊपर। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट आपको किसी वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।